सो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं जिससे कि आप एक मशीन खरीद के पांच बिजनेस बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं सिर्फ एक मशीन से। तो ये मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे आप इसमें एक मशीन खरीद के कैसे आप पांच बिजनेस कर सकते हैं, फुल डिटेल जानने के लिए आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यहां से वीडियो देखना है ताकि आप इस बिजनेस के बारे में पूरा समझ सकें। और मैं कौन सी मशीन की बात कर रहा हूं, कैसे इसमें प्रोसेस होता है, कौन कौन सी चीज़ों का यूज होता है, सारी चीज़ जान सकते हैं आप और एक अच्छा खासा बिजनेस आप अपना स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बिजनेस जो है यूनिक है और अच्छा है और डिजिटलाइज्ड बिजनेस है। इस बिजनेस में कुछ खास है जो कि आपको लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो ये मशीन है, ये हीटिंग प्रेस मशीन है। हीटिंग प्रेस मशीन ऐसी होती है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कि मैं अगर ये टी शर्ट पहन रहा हूँ या फिर आप मग देखते होंगे जिससे कि कॉफ़ी वगैरह पीते होंगे, या फिर टोपी होगी, कैप हो गया, प्लेट हो गया, ऐसी बहुत सारी डिजाइनें आती हैं जो कि प्रिंट होती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ प्रिंट होती है, जैसे टी शर्ट भी प्रिंट हो सकती है, इससे मग भी प्रिंट हो सकता है, प्लेटें भी प्रिंट हो सकती हैं, और कैप पहनने वाला वो भी प्रिंट हो सकता है। इसकी सेलिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे कि किसी की मैरिज हुई होती है या कोई बंदा अपने शौक से अपने नाम से टी शर्ट मंगाना चाहता है, या किसी जैसे कोई यूट्यूब चैनल है वो अपने टी शर्ट मंगाना चाहता है, ऐसे बहुत सारी हैं जिससे कि वो लोग अपना मंगाते हैं प्रिंट करा करा के अपने शौक के दर से। लेकिन अगर आप एक मग प्रिंट कराते हुए जिसमें आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, अगर उसे प्रिंट करा के मंगाते हैं, तो मुश्किल से 350 से 400 आपका एक प्रिंट होके आता है। आपको पता होगा, जो आप 350 से 400 का खरीदते हैं उसमें लागत सिर्फ 50 से 60 रुपये 100 रुपये लगती है। ठीक है, जैसे कि 50 रुपये का मग हो गया, 10-20 रुपये उसमें प्रिंट कराई लगती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो इसमें करीब 2-3 गुना जो है आपको प्रॉफिट मिलने वाला है इन चीज़ों पर प्रिंट करके। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। एक बिजनेस ऐसा कि आप अपने आसपास में अपने एरिया में आप एक छोटी सी शॉप खोल लें, दुकान खोल लें, वहाँ पे जो है आप प्रिंट कर करके, जिससे कि आपके पास कोई आएगा बोलेगा मुझे ये प्रिंट करके दो, तो आप बहुत ही इजीली उस मशीन से प्रिंट करके दे सकते हैं। मशीन की कीमत जो है बहुत ही कम कॉस्ट है इसमें। मतलब मैं जो आपको मशीन दिखाने वाला हूँ 5-in-1, वो 10,500 रुपये की, यानी कि 10,500 रुपये की है। और भी बढ़िया मशीन जो है इसमें, महंगी भी और सस्ती भी, अलग अलग कैटेगरी की मशीन आती है जो कि मैं आप भी आगे आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपको मशीन परचेज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रिंट करके आराम से सेल कर सकते हैं मार्केट में। उसके बाद अगर आप चाहें तो छोटा सा एप्लीकेशन बनवा लीजिए या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा लीजिए, आप अपने घर पे एक फैक्ट्री खोल लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे बल्क में प्रिंट कीजिए और प्रिंट करके कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करेगा तो आप उसके घर पर होम डिलीवरी भी बहुत ईजिली कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप होम डिलीवरी करते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट देखते होंगे जहाँ से आप लोग भी, हो सकता है कभी ना कभी कोई चीज़ टी शर्ट वगैरह मंगाया हो, तो ऐसी वेबसाइट आप भी लॉन्च करके ये मशीनें लगा के और इजीली आप वहां पे ऑनलाइन सेल करके बहुत अच्छा खासा अमाउंट कर सेल कर सकते हैं। अगर हम महीने की बात करें तो इसमें आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से आप वेबसाइट से अगर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद पाएंगे। और अगर आप शॉप खोलते हैं, अगर अपने ग्रामीण एरिया में छोटे मोटे शॉप खोल के अगर इसे करते हैं, तो भी 50 से 60 हज़ार रुपए इजीली बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं अपने घर पे रह के, अपने गांव में। तो ये जो बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा ग्रोबल बिजनेस है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा अगर आप इसे अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके चलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है। जो इसमें अब मैं बता रहा हूँ कि आप मग या फिर ऐसी चीज़ें जो है प्लेटें वगैरह या टी शर्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली इस मशीन से। सो गाइस, सबसे पहले आपको मशीन मिलेगी। मशीन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हीटिंग प्रोसेस मशीन होता है। इसमें सारी चीज़ें मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जो मशीन परचेज करेंगे यहाँ से, तो आपको एक बुक मिलेगी, वहाँ पे आपको फुल ट्रेनिंग दी जाएगी। उस बुक में किस हिसाब से आप इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिटिंग बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर सेटिंग होती है, सबसे मेन चीज़ होता है कौन से टेम्परेचर पे कौन सा चीज़ आपको सेट करना है, वो चीज़ बुक में लिखी होगी। आपको टी शर्ट प्लेन रखना है और जो प्रिंट होता है आपको प्रिंटर से इजिली निकाल सकते हैं, या फिर आप खुद प्रिंटर रख के एक पेपर पे उस चीज़ को निकाल सकते हैं जो चीज़ आपको प्रिंट करना हो। यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ प्रिंट करके हमने यहाँ पे रखा, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, वरना कंप्यूटर एक प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंटर रखना पड़ेगा। वहाँ से कोई भी डिजाइन बना के आप प्लेन पेपर ए 4 साइज में प्रिंट करके निकाल सकते हैं। इसका बटर पेपर होता है, उसके बाद पेपर इस साइज से रख के आपको सिंपली यहाँ पे देखिए इस तरीके से मशीन को सेट करना है, हीटिंग प्रोसेस सेट कर लेना है किनने पे, उसके बाद इसे ऑन कर देना है।
ऑन करने के बाद एक दो मिनट के बाद आपको सिंपली उसे उठाना है। उठाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक प्रिंट है इस तरीके से इस टी शर्ट में लग जाता है। उसके बाद जैसे कि आप ऊपर बटर पेपर जो है निकालेंगे, बटर पेपर निकालते वहाँ ही जो बटर का जिसमें भी कलरफुल जो प्रिंट होगा वो प्रिंट आपके टी शर्ट पे निकल चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा चीज़ आता है, दूसरी चीज़ जो है प्रिंट होगी यहाँ पे, उस चीज़ का भी इसमें मशीन की अलग अलग डाई आती है, प्लेट की डाई, हर एक चीज़ की डाई आती है। यहाँ पे देखिए पेपर हमने प्लेट में सेट कर दिया है, जैसे कि आप सेट करके अच्छी तरीके से सेट कर लीजिएगा वाइट पेपर पर सेट करके उस मशीन को डाई चेंज कर लीजिएगा। मशीन में जैसे ही डाई चेंज करेंगे आप तो सिंपली उस चीज़ को सेट करके इस डाई के नीचे रखना है, तब तक कि मशीन हीट ना हो जाए उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर को इसको चाहिए। यहाँ पर हीटिंग टेम्परेचर सेट करके ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद जितने टाइम आपको दिया गया होगा उस टाइम को हटा के फिर आप उस चीज़ को मशीन को ओपन करना है। यहाँ पर देखिए जैसे मशीन को ओपन करेंगे आप, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर उस चीज़ को आपको प्रिंट को हटाना है, तो वो जो प्रिंट होगा वो इजिली आपके प्लेट पे जो है निकल चुका होगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट जो है कलरफुल अच्छे खासी प्रिंट हो गया। आप इसमें फोटो लगा सकते हैं, किसी वेडिंग एनिवर्सरी की फोटो लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का आसानी से इमेज सेट कर सकते हैं आप इसमें जिसका चाहें उसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा चीज़ हमारा आता है यहाँ पे देखिए मग प्रिंटिंग का 350 to 120 cc का आपको रखना है। इसकी हीटिंग टेम्परेचर इतना होना चाहिए, आपको उसके अच्छी तरीके से जो है सेट कर लेना है हीटिंग प्रोसेस जो होता है, ठीक है। हीटिंग प्रोसेस आप यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए जितना आपको बुक में दिया गया होगा, पूरी ट्रेनिंग आपको इसके साथ दी जाती है, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद प्लेन वाइट मग आपको इसमें रखना है विथ जो भी आपको लोगो लगाना हो, इसमें जो फोटो लगाना हो उसके प्रिंट के साथ में आपको इसमें रखना है। यहाँ पे देखिए उस प्रिंट के साथ में सिंपली आपको इसे टेप से सेट कर देना है ताकि इधर उधर घूमे ना, फिर हीटिंग मशीन में आपको इसे सेट कर देना है। उसके बाद मशीन को ऑन करना है। जैसे आप मशीन को ऑन करेंगे वो हीट होने लग जाएगा विद हीटर, इसके अंदर सारा कुछ सेट होता है। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग उसे हटाना है आपको, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे हटाएंगे फिर आपको सिंपली मग को निकालना है। मग जैसे निकालेंगे वो सारी चीज आपके मग से मतलब प्रिंट आउट से मग में प्रिंट हो जाता है। यह देखिए यहाँ पे दो प्रिंट आउट, इसकी जगह आप फोटो लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप कुछ भी इजीली इसमें जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें कैप, ठीक है। यहाँ पे कैप भी आपको दिखा देता हूँ मैं। कैप की जो डायग्राम है आपको सिंपली उस डायग्राम को सेट कर लेना है। डायग्राम आपका सबका मिलेगा इसमें, कोई सी भी आप किसी भी चीज़ का डायग्राम, जैसे कि इसमें जो भी चीज़ इसमें कॉम्बो मिलता है उस चीज़ का डायग्राम आप इसमें इजीली सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम इसमें सेट करना, देखिए कैप का डायग्राम है, इसमें फोटो लगा देनी है। फोटो लगाने के बाद जो आपका स्टिकर है उस चीज़ को सेट करके सिंपली आप उसे टेप से सेट करेंगे ताकि इधर उधर हिले ना वो चीज़। फिर आप हीटिंग जो हीटर होगा इसमें उस चीज़ को सेट करके इसे ऑन कर देना है। ऑन करके मशीन को छोड़ देना है टाइमली, जितने टाइम के लिए दिया गया होगा उस टाइम के बाद फिर इस मशीन को आपको ऑन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो वो चीज़ जो है प्रिंट हो चुकी होगी हमारे कैप में। यहाँ पे देखिए हम टेप निकालेंगे इसको, जैसे आप टेप धीरे धीरे आसानी से इसको निकालेंगे स्टिकर से, तो नीचे देखेंगे वो चीज़ हमारा लोगो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ होती है, किसी के नाम हो गया, किसी का लोगो हो गया, आसानी से वो चीज़ हमारे कैप में आ चुकी है। इसी तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट भी इसमें बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस आपको मशीन कहाँ से परचेज करना है, मशीन आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है तो आप पहुँच जाएंगे इंडिया मार्ट की साइट पे। आप चाहे तो इंडिया मार्ट पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है हीट प्रेस 5-in-1 मशीन, ठीक है। सब्लिमेशन मशीन प्रिंटिंग टू बी डन ऑन टी शर्ट, या फिर इसमें देखिए टी शर्ट वगैरह सारा कुछ आप इतने सारी चीज़ें आराम से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे कीमत भी आपको देख सकते हैं 10,500, इसमें अलग अलग कीमत का भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको वहाँ से आसानी से अलग अलग कीमत पे, यहाँ पे देखिए 11,000, 12,000, 17,000 ऐसे ऐसे इजीली आपको मिल जाता है। बाय करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट टू सेलर पे क्लिक करेंगे, आज के लिए आपको अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालना पड़ेगा,
आप यहां से इजीली ऑर्डर लगा सकते हैं, आपके घर पे ये मशीन पहुंच जाएगी, या फिर आप जाके ऑफिस में भी विजिट इनका कर सकते हैं जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है भी है, ठीक है। व्यू टू फोन नंबर पे भी अगर जाएंगे तो फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, यहां पे कॉल करके भी आप आसानी से पूछ सकते हैं इस मशीन के बारे में। यहाँ इस मशीन के बारे में सारा प्रोसेस आपको दिया गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी इजीली लाइट से मशीन जो है ऑपरेट होती है, ठीक है। लाइट से ऑपरेट करके आपको डायरेक्टली इसे यहाँ से बाय कर लेना है, और देख सकते हैं यहाँ पे जाके अलग अलग जगह पे भी देख सकते हैं। So guys, आप लोगों ने देखा कि ये मशीन किस हिसाब से वर्क करती है और इस मशीन को आपको परचेज कहां से करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया कि मशीन कहां से परचेज करनी है और इसमें प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों मैंने बताया कि आप इससे कैसे सेलिंग कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो घर में इसे मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। आप टी शर्ट मग वगैरह अलग अलग कैटेगरी की प्रिंट करके अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी सेल कर सकते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा आसानी से। इसका जो टी शर्ट मग वगैरह प्रिंट जो, तो गाइस अगर हम बात करें इसकी रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल आपको इसमें पता है क्या लगेगा, रॉ मटेरियल इसमें लगने वाला है एक बहुत ही इजीली से आपको क्या चाहिए, जैसे कि आप टी शर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्लेन टी शर्ट चाहिए, या फिर प्लेट वाइट प्लेट चाहिए, कैप वाइट चाहिए, या फिर जग जो होता है मग वाइट चाहिए। ये चीज़ें आपको वाइट कलर में चाहिए ताकि आपका जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें चढ़ जाए। अगर आप चाहें कलरफुल भी, चाहे वाइट के अलावा कोई सी भी कलर हो उसमें भी आप बहुत ही ईजिली इसको प्रिंट कर सकते हैं, बट वाइट में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इसमें प्रिंट होता है। प्रिंट करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको वहाँ पे बताया किस हिसाब से जो है इसमें प्रिंटिंग आप कर सकते हैं मशीन के द्वारा, ठीक है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही मुझे बिजनेस आइडिया आपको देना था। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई नए बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट छोड़िएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई कर सकूं ताकि आप लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। तो गाइस फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।